दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे से हों। और ये मॉर्निंग का टाइम है, मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ बेसन का चीला, जो बहुत दिनों बाद मैं बना रही हूँ। इसमें मैंने इसमें थोड़ी सी सूजी डाला है, बेसन में नमक, हल्दी, मिर्च डाला है और इसमें थोड़ा अंडा भी डाला है। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप ना डालो। और मैं यहाँ अब नहा के पूजा करने वाली हूँ। मैं यहाँ पूजा के बर्तन धो रही हूँ। आज मैं आप लोगों को पूजा का ही दिखाऊंगी कि मैं पूजा कैसे करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का सबसे अहम पार्ट यही है हमारे लाइफ का, और ये मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है। बट मैं कभी कभी कर नहीं पाती हूँ कि मैं रहती नहीं हूँ, कहीं चले जाती हूँ तो नहीं हो पाता है। तो आज मैं गुरुवार है तो आज मैं अच्छे से पूजा करना चाह रही थी। और मगर यहाँ फूलों की कमी है तो यहाँ फूल मिलते नहीं हैं, तो भी मैं जुगाड़ कर ही लेती हूँ यहाँ वहाँ से कैसे भी करके, क्योंकि गुरुवार के दिन में थोड़े फूल फल ना दो तो अच्छा नहीं लगता है। मेरी मम्मी हमेशा कहा करती थी कि गुरुवार को फल देना चाहिए भगवान को, लक्ष्मी माँ को, और फूल वूल से अच्छे से सजा के पूजा करना चाहिए। और मेरी मम्मी बहुत तो ही ज़्यादा पूजा पाठ में वो करती थी, मतलब ध्यान रखती थी। और हमने भी वही देख देख के सीखा है बचपन से। हम जब बाहर जाते थे, मतलब मामा के यहाँ या कहीं भी, वहाँ सब ऐसे हम अच्छे से, वहाँ पूजा पाठ बहुत होती थी, वहाँ हम अच्छे से पूजा करते थे सब मिल के। वहाँ हर फंक्शन होता था जो पूजा पाठ का होता था, जैसे काली माँ का पूजा हो गया या शिवरात्रि हो गई, कोई भी, तो हम वहाँ बैठ के सब बाहरों से जाके, मतलब हर किसी के घर में जाके हम फूल ले आते थे। और यहाँ तो खरीदना पड़ता है, हम वहाँ पर ऐसे ले आते थे, इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल होते थे और हम उसकी माला बना के रोज़ पहनाते थे और हम माला बनाते थे सब मिलके। इतना अच्छा लगता था हम लोग को, सबको, हम भाई बहन मिलके सब यही करते थे। और आज यहाँ पर हमें अकेले करना पड़ता है सब चीज़। यहाँ पूजा पाठ भी उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से हम करते थे। मतलब दिल्ली में इतनी बिजी लाइफ है लोगों की कि किसी के पास टाइम नहीं है सबके लिए, सब ऐसे ही करते हैं। इतना, मतलब यहाँ पूजा पाठ के नाम पे बहुत कुछ कम ही देखने मिलता है। एक नवरात्रि होता है थोड़ा सा अच्छे से, बाकी तो ना यहाँ पर गणेश पूजा ढंग से देखने मिलता है, ना यहाँ पे रामनवमी होता है ढंग से, ना यहाँ पे कोई फंक्शन अच्छे से मनाया जाता है। मतलब ऐसे ही होता है, अच्छे से होता है बट उतना वो बात नज़र नहीं आती जो हमारे उस साइड, मतलब मायके में होता है, जो बचपन से जो हम देखते आ रहे हैं। और यहाँ अब मैं यहाँ पर भगवान जी को फूल दे दी हूँ। अब मैं यहाँ पानी वानी दे के प्रसाद दूंगी। मेरे पास फल नहीं था तो मेरे पास मिश्री के दाने थे, मैं वही दे रही हूँ। और टीटू यहाँ मांग रहा थोड़ा सा, वो जब भी मैं पूजा करती हूँ तब भी वो मांगता है। तो ये मैं फूल और दुब्बा और तुलसी पत्ता तो ज़रूरी देती हूँ, तो लक्ष्मी भगवान को ये सब पसंद है। और मेरे पास जितना मेरे से बन पाता है मैं उतने कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ फूल मिलना बहुत मुश्किल है, ख़रीदना पड़ता है, यहाँ से दूर जाना पड़ता है लेने के लिए। इसी वजह से अब मेरा यहाँ पर मेरे दिया मैं जलाऊँगी और अगरबत्ती भी जलाऊँगी। मैं यहाँ पर आज घंटी नहीं बजाऊँगी क्योंकि मैं गुरुवार के दिन घंटी नहीं बजाऊँगी। मेरी मम्मी हमेशा कहा करती थी कि गुरुवार के दिन घंटी नहीं बजाना चाहिए, उससे लक्ष्मी माता वापस चले जाती है। तो मैं हम शंख बजाते हैं ज़्यादातर, और धूप भी देती हूँ मैं। और यहाँ पर ना अभी धूप नहीं है, रेडीमेड धूप है तो मैं उसे अभी नहीं दे रही हूँ। ये मैं शंख बजा रही हूँ, देखिए। मैं घंटी का यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि वो देना नहीं है। और उसके बाद मैं एक अगरबत्ती तुलसी पेड़ के पास दूंगी और एक अपने पापा के पास दूंगी। और यहाँ पर मेरा पूजा हो गया, ऑलमोस्ट हो गया है। और मैं कलश भी आज ही बैठाती हूँ। मैं बड़ा कलश नहीं, छोटा सा ही है क्योंकि मेरा मंदिर भी छोटा ही है, बट भगवान थोड़े बड़े हो गए अगर कि वो, मतलब टीटो कभी ये कर देता, गिरा देता है, कभी कुछ कर देता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मगर क्या करें, वो भी तो बच्चा ही है। इसी वजह से मैं वो नहीं करती, ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है मेरे पास अभी फ़िलहाल, अभी यही है। और मूर्ति भी नहीं है, मैं फ़ोटो से ही पूजा करती हूँ। मैं पूजा करके आई हूँ, आपने तो देखा मैं कैसे पूजा करती हूँ। मैं चाहती थी आज मैं अपनी
मतलब आज गुरुवार है, थर्सडे है, तो मैं चाह रही थी मैं कैसा पूजा करती हूँ, मैं कैसा कलश बैठाती हूँ मैं दिखाऊँ। वैसे मुझे पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है, फूल वूल के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बट यह मिलता नहीं है। सो गाइस, अभी मैं टीटो को खाना खिला रही हूँ। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और वो बहुत मस्ती के मूड में है। और मुझे अभी किचन के रैक को सफाई करना है, जो चम्मच वाले रैक होते हैं उसको सफाई करना है, क्योंकि बहुत दिन से सोच रही हूँ उसे सफाई करने का, तो कर नहीं पा रही थी, ये देखिए। और मेरे को धीरे धीरे पूरा डीप क्लीन करना है अपनी किचन को, अभी मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। अभी सारे चीज़ को धीरे धीरे एक एक रूम को पकड़ूंगी और किचन को पकड़ूंगी, तो मैं उसकी भी ब्लॉग बना के दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैं कैसे क्लीन करती हूँ। और यहाँ मेरा रैक बहुत गंदा हो चुका था, ये देखिए, आप लोग तो देख ही रहे हैं। और इसको मैं, अब हो गया मेरा लगभग ये सफाई करना। और मैं इसको थोड़ा सा, मतलब जो भी इसमें हल्के हल्के जो पानी के जंग लग जाते कभी कभी के बर्तन थोड़े। यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, और क्योंकि मैं खाना नहीं बनाऊँगी दोपहर में, चाय और ब्रेड खाऊँगी बटर के साथ, क्योंकि आज घर पे नहीं आएंगे, इसी वजह से मैं खाना नहीं बना रही हूँ। मैं बस खिचड़ी बना दी टीटो के लिए। और आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। और आज के लिए